नींबू का अचार बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 1 किलो नींबू, जिन्हें हमने बीच से 4 टुकड़ों में कट करके रख लिया है। और हमें चाहिए सरसों का तेल, काली सरसों के दाने, सौंफ, ज़ीरा, राई के दाने, मेथी दाना, अजवाइन, कुछ गरम मसाले और नमक, काला नमक, मिर्च और हल्दी। तो चलिए ये बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे, हम मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब हमें डालना है 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच करीब मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच राई और गरम मसाले। सभी खड़े मसालों को हमें कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट करना है, जिससे इनका मॉइस्चर जो है निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। सारे मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे मिक्सर में। चलिए आइए इन्हें पीसते हैं। मसालों को अब हम पीस लेंगे। मसालों को हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इन्हें धरधरा ही हमें पीसना है। अब हमने नींबू को एक बड़े बर्तन में पलट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें हमें काला नमक भी डालना है, 1/2 चम्मच, 1 चम्मच करीब। मसाले आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा से ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्च, हल्दी पाउडर और सारे पिसे हुए मसाले। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नींबू का अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसे एक कांच की बरनी में भर दिया है। आप इसको किसी भी छोटे छोटे या कोई भी आपके पास कांच के या बर्नी हो, आप उनमें इन्हें डाल सकते हैं। उसके बाद इन्हें हम एयर टाइट में इस तरीके से कोई भी कंटेनर ले लें आप, और इस अचार को आप 15 से 20 दिन में आपका ये धूप में तैयार हो जाएगा। आई होप आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।